जबलपुर के रेलवे पुल नंबर 3 के पास एक व्यक्ति ने अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पाकर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि मोहम्मद यूसुफ नाम का व्यक्ति, जो कि बड़ी ओमती का निवासी है, उसने अमरकंटक एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही परिजनों से पूछताछ करके आत्महत्या के कारणों का पता लगा लिया जाएगा। मृतक युवक का नाम मोहम्मद यूसुफ है, जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री संबंधी कार्य किया करता था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। कल रात में अमरकंटक एक्सप्रेस, जो भोपाल से दूर की तरफ जाती है, इसके सामने एक व्यक्ति ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पुल नंबर 3 के पास सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर उसका शव वहां पर तलाश किया और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए गए। पता चला कि ये मोहम्मद यूसुफ नाम के व्यक्ति हैं, जो बड़ी ओमती निवासी हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्री वगैरह के कारोबार में ये संलिप्त थे। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई और पीएम के बाद शव को इनके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया है और इनने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। जो भी कारण होंगे उसका पता लगाया जाएगा। और अभी चूंकि उनके परिवारजनों को शव सुपुर्द किया गया हो, आज उन्होंने अपना अंतिम संस्कार किया होगा, इसके पश्चात उनके घर वालों से, उनके जान पहचान वालों से पूछताछ करके ही पता लगाया जा सकेगा। नहीं, अभी तक ऐसा कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला है और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास गाड़ी, मोबाइल वगैरह? मोबाइल मिला है क्षतिग्रस्त हालत में। एक स्कूटी पुल नंबर 3 के पास खड़ी हुई मिली थी बिना नंबर की, वो उसको भी लाया गया, पर उसमें कोई ऐसा कोई ना कोई दस्तावेज ना कोई नोट प्राप्त नहीं हुआ। मोबाइल का डाटा निकाल कर कराएंगे, उसकी जाँच साइबर से कराना पड़ेगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।